इस वीडियो में हम एनिमेट करेंगे ये। ये इफेक्ट कोका कोला की रीसेंट एड से इंस्पायर्ड है, जहाँ कैमरा इस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। अब ये ट्यूटोरियल एकदम बिगिनर्स लेवल का होने वाला है, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3D एनवायरनमेंट में अपनी लेयर्स को और अपने एक 3D कैमरा को एनिमेट करना सिखाऊंगा, ऑल इनसाइड माय फेवरेट सॉफ्टवेयर अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ इस तरह की अमेजिंग एनिमेशन कर पाओगे, जो आपकी पोर्टफोलियो में काफी बढ़िया लगेंगी। और पोर्टफोलियो के अलावा भी आप इस इफेक्ट को अपने वर्कफ्लो में काफी जगह यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ध्रुव राठे की इस वीडियो में म्यूटेशन टॉपिक को समझाने के लिए इसे यूज किया, और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इस तरह से नंबर एनिमेशन को दिखाने के लिए इसे यूज किया था। अब अगर आप साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो मैं काफी ज्यादा रेकमेंड भी करूंगा, तो आप इस वीडियो में यूज किए जाने वाले सारे एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ सबसे पहले हम अपने एसेट्स को इम्पोर्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्प। आई विल रीनेम दिस कॉम्प 3D कैमरा एनिमेशन, और आप ये सेम सेटिंग्स यहाँ चूज कर सकते हो। लेट्स क्लिक ओके। अब इस कॉम्पोजिशन में हम अपनी क्लाउड स्काई लेयर और सारी एंजल लेयर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ क्लाउड लेयर को सबसे नीचे प्लेस करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके इस 3D आइकन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारी सारी लेयर्स 3D हो जाएंगी। अब अगर आपको ये आइकन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके कॉलम के ऑप्शन में से स्विचेस पे क्लिक करके यहाँ इसे ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ ऐड करेंगे कैमरा बाय गोइंग ऑन लेयर्स न्यू कैमरा। यहाँ इस पैनल में हम अपने कैमरे की सेटिंग्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कैमरा टाइप। इसके अंदर यहाँ दो ही ऑप्शन हैं, 1 नोट कैमरा और 2 नोट कैमरा। इसे मैं आगे वीडियो में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। नेक्स्ट इज नेम, और उसके बाद है प्रीसेट। ये बेसिकली हमारे लेंस की फोकल लेंथ है। 15mm इज सुपर वाइड लेंस और 200mm इज जूम लेंस। हम यहाँ से अपनी कस्टम फोकल लेंथ भी चूज कर सकते हैं, बट इस ट्यूटोरियल के लिए आई चूज 35mm। अब इससे नीचे के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हमारी फोकल लेंथ से ही लिंक्ड रहते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इन्हें कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ ये प्रीसेट्स हमारे रियल कैमरास को मिमिक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। लास्ट है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। इसे एनेबल करके हम अपनी बैकग्राउंड लेयर्स को ब्लर कर सकते हैं। इसे भी हम वीडियो में आगे एक्सप्लोर करेंगे, और इनफैक्ट हम इन सारी सेटिंग्स को बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्लिक ओके। नाउ लेट्स सोलो दीज टू लेयर्स। अब इन दोनों लेयर्स को हम अपनी 3D स्पेस में पीछे लेके जाएंगे, तो वो करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे और से 1 व्यू से 2 व्यू पे स्विच कर देंगे। अब यहाँ दोनों व्यू सेम ही आ रहे हैं, तो मैं अपने इस वाली व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से इस व्यू को टॉप व्यू बना दूंगा, और अब हमें इस व्यू में हमारी लेयर्स ऊपर से दिखेंगी। यानी अगर मैं अपनी लेयर को ऊपर की तरफ रोटेट करूं, तो यहाँ इस व्यू में ये लेयर दिखने लग जाएगी। यहाँ हम अपना कैमरा भी देख सकते हैं, और ये है हमारा बैकग्राउंड। यहाँ इसको मूव करने के 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, Y, X और Z। हम इसे यहाँ से Z स्पेस में पीछे लेके जा सकते हैं। अब ज़्यादा पीछे ले जाने पर ये कैमरा के फ्रेम से अंदर आ गया, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसके स्केल को बड़ा कर देंगे। लेट्स जस्ट मेक इट 450, और हम इसे और ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। अब हम अपने बैकग्राउंड को कितना पीछे लेके जाते हैं, वो हमेशा हमारी एनिमेशन की फील पे डिपेंड करेगा। इस एनिमेशन के लिए इतना डिस्टेंस काफी है। सिमिलर तरीके से हम अपनी सारी एंजल लेयर्स को भी अलग अलग जी स्पेस की पोजीशन में प्लेस कर देंगे। हम ऑब्वियसली इनकी पोजीशन को बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इस प्रोसेस को जल्दी से दिखा देता हूँ। और अब अगर हम अपने कैमरा को जेड एक्सिस पे आगे लेके जाएं, तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलेगी। लेट्स रीसेट द पोजीशन ऑफ आवर कैमरा। अब इसको एनिमेट करने से पहले मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ हम 1 नोट कैमरा और 2 नोट कैमरा के बीच का डिफरेंस समझेंगे। अभी हमारा कैमरा 2 नोट कैमरा पे है। अगर मैं यहाँ से 1 नोट कैमरा सिलेक्ट करूँ, तो हमारी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ से हट जाएगी। बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम कैसे करता है? लेट्स क्लिक ओके। अब यहाँ से हम अपने टॉप व्यू को चेंज करके कर देंगे राइट व्यू। यहाँ मैं अपने राइट व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अब अगर मैं अपने कैमरा की पोजीशन की वैल्यू को यहाँ से चेंज करूँ, तो हमारा कैमरा का एंगल बीच में ही रहेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा कैमरा अभी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और हम इस एंगल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स रीसेट दिस, और अब इसको 1 नोट कैमरा में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला ऑप्शन हट गया है, तो अब अगर मैं अपने कैमरा की पोजीशन को ऊपर लेके जाऊँ, तो हमारा एंगल सीधा ही रहेगा। तो बेसिकली 2 नोट कैमरा हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी देता है, जिससे हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिविजुअली एनिमेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा 2 नोट कैमरा ही यूज करता हूँ, ताकि मैं अपने कैमरा के एंगल को अपनी कॉम्पोजिशन से भी एडजस्ट कर पाऊँ, और एक एडिशनल प्रॉपर्टी के होने से मुझे अपने वर्कफ्लो में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ मैंने इसको वापस से 2 नोट कैमरा कर दिया, और हम अपने फर्स्ट फ्रेम पे अपनी पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपनी की फ्रेम ऐड कर देंगे, और 7 सेकंड बाद हम अपने कैमरा को इसकी लास्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे। तो यहाँ हमारी बेसिक एनिमेशन ऐड हो गई है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में हम अपनी एक्स और वाई एक्सिस की मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ वापस से राइट व्यू पर स्विच करूंगा, और यहाँ इसे वापस से एडजस्ट करूंगा। अब यहाँ मैं अपने कैमरे को अपनी पहली एंजल लेयर के फेदर के नीचे से लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इस पॉइंट पर इसके वाई एक्सिस में मूवमेंट ऐड करूंगा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा लेफ्ट में भी लेके जाऊंगा। और सिमिलर तरीके से हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा हम अपनी लेयर्स में भी मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इस लेयर को थोड़ा ऊपर जाता हुआ मूवमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं पहले फ्रेम पे की फ्रेम ऐड करूँगा और थोड़ी देर बाद मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा। नाउ इट्स लुकिंग गुड। आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस की फ्रेमिंग प्रोसेस और यहाँ हम ऑब्वियसली अपनी लेयर्स को भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है। या मैंने हर लेयर में कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐड करी है और अब हम इसे रोलर कोस्टर वाली फील देने के लिए अपने कैमरे की रोटेशन वैल्यू को भी एनिमेट करेंगे। आई ऐड सम रोटेशन हियर और यहाँ मैं कुछ आगे जाके इसे दूसरी साइड रोटेट कर दूंगा और कुछ इसी तरह से इसे मैं इक्वल गैप्स में पिछली वाली मूवमेंट के ऑपोजिट मूव करता रहूंगा। और अब हम अपने रोटेशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको स्मूथ करने के लिए इसमें इजी इज ऐड करेंगे बाय प्रेसिंग F9। नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। हम यहाँ ऑब्वियसली कभी भी इसे रीएडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट इन आर एनिमेशन एंड नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब हम अपने सीन में रियलिज्म ऐड करेंगे बाय एनेबलिंग द डेप्थ ऑफ फील्ड। विल ओपन कैमरा ऑप्शंस और ये रही हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड। इसको यहाँ से ऑन कर देंगे और वापस से हम यहाँ दो व्यूज ऐड कर देंगे। तो अगर मैं अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन ऑफ करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं इससे हमारे कैमरा में एक और लाइन ऐड हो रही है। ये हमारी फोकस डिस्टेंस, इसे हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा अपर्चर, अगर मैं अपर्चर को इंक्रीज करूँ तो यहाँ हमारा बैकग्राउंड ब्लर होने लग जाएगा। ये सेम चीज़ हम ब्लर लेवल बढ़ा के भी कर सकते हैं, बट इसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे और अपने अपर्चर को कर देंगे 150 पे। तो अभी हमारा फोकस हमारी पहली लेयर पे है। इसको एनिमेट करेंगे तो यहाँ इसमें हम की फ्रेम ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आई वॉन्ट कि हमारा फोकस यहीं रहे और एकदम से चेंज हो, सो लेट्स ब्रिंग इट बैक। और इस पॉइंट पे आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस लेयर, सो लेट्स चेंज आर फोकस डिस्टेंस। और कुछ इस तरह से हम अपने फोकस को एनिमेट करेंगे। I'll fast forward this process as well. Now let's preview our animation. अब इसमें और realism add करने के लिए हम इसका motion blur enable कर देंगे। We'll select all our layers and we'll click on this icon. Let's change it to one view. और यहाँ motion blur और without motion blur के बीच में difference देख सकते हैं। ये off, on. Now let's preview it. अब क्योंकि depth of field भी on है और motion blur भी, तो हमारा preview काफी slow चलेगा। Now to make it smooth, हम यहाँ से अपनी preview quality को 3rd पे कर देंगे। And now it's going good. तो अभी हमारे clouds background में ही हैं। I want कि कुछ clouds हमारी layers के बीच में भी हो। तो वो करने के लिए I'll duplicate our cloud layer और अब इस पे double click करेंगे जिससे layer comp में open होगा। यहाँ मैं किसी भी cloud को पकड़ के उसको roughly mask करूँगा। And that's it. Let's come back to our composition. और अब हम इस क्लाउड को अपनी लेयर के पास रख सकते हैं। मैं यहाँ रफली इसे अपनी लेयर्स के बीच में कहीं प्लेस कर दूंगा। आई थिंक हेयर इट विल लुक गुड। अब ये शार्प एजेस को सॉफ्ट करने के लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करके F प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसके मास्क में फेदर ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा लेफ्ट में लेके जाएंगे एंड दैट्स इट। लेट्स प्रीव्यू इट। अभी ये दूर से तो सही लग रहा है बट पास आते आते ये काफ़ी सॉलिड फील दे रहा है। हम इसकी ओपेसिटी को एनिमेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी ऑन आर कीबोर्ड। इसकी फ्रेम को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ इस फ्रेम पे इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0 पे। इसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। नाउ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड आई विल रीनेम दिस लेयर। अब मैं अपनी लेयर्स के बीच में और क्लाउड लेयर्स ऐड करूंगा यूजिंग द सेम प्रोसेस एंड आई विल अगेन फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस एज वेल। और अब हमारी एनिमेशन हो गई है कंप्लीट। अब पेंटिंग के अंदर जाने वाली फील देने के लिए हम इन सब लेयर को पकड़ के प्री कंपोज करेंगे बाय राइट क्लिकिंग ऑन देम एंड प्री कंपोज। विल रीनेम दिस कॉम्प मेन एनिमेशन। और अब यहाँ इस पेंटिंग के बैकग्राउंड को हम इस कॉम्पोजिशन में ऐड कर देंगे और इसे अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर फिट करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट प्लस F। इसे हम अपनी एनिमेशन के पीछे रखेंगे और अब हम अपनी एनिमेशन को करेंगे डुप्लीकेट। अब ऊपर वाली लेयर को हम 2 सेकंड आगे शिफ्ट कर देंगे और इसकी नीचे वाली एनिमेशन के फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इसके टाइम में जाके विल फ्रीज दिस फ्रेम, जिससे एनिमेशन यहाँ अपने पहले फ्रेम पर फ्रीज हो जाएगी। इसको रीनेम करेंगे पेंटिंग। अब यहाँ इन सारी लेयर्स को हम कर देंगे 3D और यहाँ ऐड करेंगे कैमरा। विल मेक इट अ 2-node कैमरा। लेट्स क्लिक ओके। अब अपने 2 सेकंड पे हम अपने कैमरा की पोजीशन प्रॉपर्टी में की फ्रेम ऐड कर देंगे और अपने फर्स्ट फ्रेम पे इसके जेड एक्सिस को चेंज करेंगे। यहाँ सारी लेयर्स हमारे कैमरा से दूर जा रही हैं बट नाउ लेट्स स्केल अप आवर वॉल। हम यहाँ इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब मैं अगर इसे प्रीव्यू करूँ तो हमारी पेंटिंग एनिमेशन अब कंप्लीट हो गई है
बट ये पेंटिंग जैसी लग नहीं रही क्योंकि हमने इसके अराउंड यहाँ ऐसे बॉर्डर्स नहीं ऐड करे हैं। तो यहाँ बॉर्डर्स ऐड करने के लिए हम अपनी फ्रीज फ्रेम वाली लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इसके नीचे वाली लेयर को हम थोड़ा सा स्केल अप करेंगे। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे फिल इफेक्ट। इसको ऐड करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका कलर कर देंगे वाइट। वी कैन ऑल्सो चूज आर कलर फ्रॉम हेयर। अब यहाँ व्हाइट बॉर्डर ऐड हो गया, लेट्स ऐड ब्लैक बॉर्डर। इसको यहाँ वापस से डुप्लीकेट करेंगे और अपने पीछे वाली लेयर को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका कलर कर देंगे ब्लैक। अब अगर हम अपने साथ वाली पेंटिंग को देखें तो यहाँ शेडो भी आ रही है और यहाँ इसके ब्लैक बॉर्डर पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी है। तो ये दोनों चीज़ें हम अपने बॉर्डर्स में भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे शेडो। विल सेलेक्ट आर ब्लैक बॉर्डर्स लेयर और यहाँ मैं टाइप करूंगा ड्रॉप शेडो। इसे ऐड करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ मैं फटाफट से इसकी सेटिंग्स को चेंज करूंगा ताकि हमारी शेडो हमारी साथ वाली पेंटिंग की शेडो की तरह ही दिखे। और अब इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सीसी लाइट स्वीप। यहाँ हमारे बॉर्डर्स में कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन ऐड कर रहा है, इसे भी मैं फटाफट से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये भी हमारी साथ वाली पेंटिंग की जैसे ही रिफ्लेक्शन दे। यहाँ इसके रिफ्लेक्शन में थोड़े वार्म कलर्स हैं तो यहाँ मैं अपनी रिफ्लेक्शन का कलर भी थोड़ा सा वार्म कर सकता हूँ। लेट्स क्लिक ओके। और लास्ट में हम इस एनिमेशन में भी मोशन ब्लर एनेबल कर देंगे एंड दैट्स इट, आवर एनिमेशन इज नाउ डन। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट इस चैनल पे आप क्या देखना चाहते हो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।